हेलो फ्रेंड्स, आरतीज पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ वेज फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी और 2 मिनट रेसिपी है। अगर राइस आपके पास बॉईल होते हैं तो इसको बहुत ही कम वक्त लगता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ में दिए बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आइए आज बनाते हैं वेज फ्राइड राइस, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी राइस ले लिए हैं और इसको मैं एक बाउल में डाल के भिगो के रख दूंगी। इसको 15 मिनट के लिए हम भिगोएंगे। मैंने पतीले में पानी को गर्म कर लिया है। इसमें हम अब चावल जो है वो डाल देंगे। चावल को मैंने ऑलरेडी 15 मिनट के लिए भिगो के रख लिया था। अब हम ये चावल इसमें डाल देंगे और 7 से 8 मिनट तक हम इसको चावल को पकाएंगे। पकाने के बाद आप इसको छान लीजिए और फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। चावल में हम 1/2 चम्मच नमक भी डाल देंगे, इससे चावल थोड़े खिले खिले बनेंगे। देखिए, अब चावल हमारा जो ऑलमोस्ट पक चुका है, इसको हम चेक कर लेते हैं। 1-2 मिनट के लिए और रखेंगे, फिर हम इसको छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, राइस हमारे यहाँ बिल्कुल रेडी है। इसको हमने बॉईल करके छान लिया है। इसको अब हम साइड पे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो आइए अब सामान देख लेते हैं आगे इसमें कौन कौन सी चीजें लगेंगी। सबसे पहले मैंने 2 से 3 कलियां लहसुन की ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया है। 1 प्याज, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। 1 गाजर, 1 छोटी शिमला मिर्च और 6 से 7 बीन्स हैं, उनको बारीक कट कर लिया है। और 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और 1/2 चम्मच काली मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। 2 टेबलस्पून हम यूज करेंगे सोया सॉस। 1 स्पून हम यूज करेंगे विनेगर। तो आइए सबसे पहले पैन को गर्म कर लेते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल लेंगे। फिर इसमें हम जो गार्लिक है वो डाल देंगे। इसको हम हल्का सा सॉटे करेंगे। इसको बिल्कुल भी रेड नहीं करना है। अब हम साथ में ही अनियन भी डाल देंगे। 1 मिनट तक इसको भी तेज आंच पे पकाएंगे। इसको बस ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। अब हम इसमें जो वेजिटेबल्स हैं सारी वो डाल देंगे। इसमें मैं गाजर, शिमला मिर्च और बीन्स डाल देंगे। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। वेजिटेबल्स को थोड़ा कच्चा ही रखना है, पकाना नहीं है ज्यादा। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लें। आधा चम्मच काली मिर्च डाल लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम आप मीडियम ही रखें। 1 चम्मच हम विनेगर डालेंगे। दो चम्मच के करीब मैं सोया सॉस डालूंगी। अब इसमें सॉस का फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसमें राइस डाल देंगे। अब हम इसको नाइसली मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं अब थोड़े से स्प्रिंग अनियन डालूंगी। इसको मैं मिक्स कर दूंगी। ये हमारे वेज फ्राइड राइस सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं।